दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड पहुंचते ही आया भारतीय खिलाड़ियों का भूचाल। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड पहुंचते ही तहलका मचाना प्रारंभ कर दिया। इन खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या और उमरान मलिक ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी दहशत अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की आंखों में देखी जा सकती है। आखिरकार न्यूजीलैंड पहुंचते ही किस प्रकार से हार्दिक पांड्या और मलिक ने तूफान मचाया, ये तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद शर्म महसूस कर रही है, तो वहीं कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन करने पर उन्हें घेर भी रहे हैं। लेकिन अब भारतीय टीम काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाई दे रही है, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और गेंदबाज मलिक का खतरनाक तूफान देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और वहां पहुंचकर जमकर अभ्यास करती हुई दिखाई दी है। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाज मलिक ने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तहलका मचाया और उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के अंदर मात्र 23 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए। इस बीच उन्होंने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल मलिक अपनी तेज गति की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। इस अभ्यास सत्र में उन्होंने 4 ओवर में 5.75 की इकोनॉमी से मात्र 23 रन दिए और 3 मुख्य टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को आउट किया। इस बीच उन्होंने 24 में से 12 गेंदें खाली फेंकी और जिसमें से एक गेंद 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी और उनकी इस रफ्तार भरी गेंद को देखकर पूरा टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया। और वहीं उनके इस प्रदर्शन के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का तूफान आना तो बाकी था। आपको बता दें कि गेंदबाज मलिक के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिखा दिया। दरअसल उन्होंने 4 ओवर में मात्र 9 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए और विरोधी बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। इस बीच उन्होंने 3 मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को आउट किया और 2.10 की इकोनॉमी से 4 ओवर में मात्र 9 रन दिए। इसके अलावा जब बल्लेबाजी करने का नंबर आया तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली और इस बीच उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के लगाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 2-2-2 यानी कि 222 का रहा। वहीं हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख सभी चारों खाने चित हो गए। इसके अलावा इन्होंने 1 रन आउट किया और 1 कैच भी पकड़ा। ऐसे में इनके खतरनाक प्रदर्शन को देख लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान हार्दिक पांड्या बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।